लूट लो चार्ली पूरा केस टॉर्च से। कौन आया मरने? चार्ली जाओ जाकर देखो। तो तू है उल्लू की तुम? शांत दोस्त। Look, I'll buy the damn thing. Charlie! चार्ली को मार डाला। खामोश, सबक सिखा जाओ उसे। खूंखार आदमी है वो। खैर चाहता है तो बदला ले उससे। जाओ। बदला तो लूंगा। चुप कर कहां बैठ गया तू? बाहर निकल। बाहर निकल। मेरी बच्ची को छोड़ दो। खामोश। कोई है जो चक्कर वार कर रहा है? ए, ए! वो समझ नहीं रहा है कि किससे पाला पड़ने वाला है। मार डालूंगा इस बच्ची को। तुझे मेरे से उलझना है? ओके तो आजा कर मुकाबला। उल्लू की तुम? घेर लो सबको, कोई भागने ना पाए। कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा। जो तुम यहां क्या कर रहे हो? ड्यूटी से सस्पेंड होने के बाद इस मामले से दूर रहो और मुझे अपना काम करने दो। जो कुछ यहां हुआ उसके बारे में कुछ कहना है तुम्हें? उठा लो, चार लाशें हैं तुम्हारे लिए। मुझे मत मारना वक्त से पहले। बात नहीं बनेगी ऐसे, इधर बनेगी। कुछ पल्ले पड़ा? हाँ तो फिर ले, खेलना मत। वाले लगा निशाना। ये बियर कैन अब मैं उड़ाऊंगा। अब देखो कैसे उड़ाता हूं। yeah.
हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट फैसला सुनाने को तैयार है। जूरी का सही फैसला आ चुका है। खून का आरोप सच साबित किया जा चुका है, इसलिए खूनी को 45 वर्ष की सजा का हुक्म दिया जाता है। इसमें पेरोल की कोई संभावना नहीं है। बचेगा नहीं ये फैसला सुनाने वाला। आ जाओ फिडो। आ जा दोस्त, सूप पी फटाफट। बात क्या है, भूख नहीं लगी क्या? कहना मान दोस्त, सूप तो पीना ही पड़ेगा वरना जवानी में ही कमजोर हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है तो कुछ करते हैं। जाओ यहां से। पेट भरकर कुछ खा ले। बात मान मेरी। कौन? जोफ, FBI। ऑफिसर हब, ये स्पेशल एजेंट इस केस के फ्रैंक कनिंगम, तुम 3 हफ्ते के लिए सस्पेंड हो। ये बात तुम्हें पता है? जेम्स कूपर, ये चलाता भाईगिरी ग्रुप मिसिसिपी में। पिछले महीने इस ग्रुप ने 3 धार्मिक हस्तियों को मौत के घाट उतार दिया। इस ग्रुप के एक खूनी को कोर्ट ने 45 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई तो उन्होंने जज को ही मार दिया। हाँ, आज ही पड़ा। हमें पता है यही खूनी है, पर सबूत हाथ में कोई नहीं। हमें ये सूचना भी मिली है कि ये लोग जुड़े हैं माफिया ग्रुप से और नशीले पदार्थों को दुनिया भर में भेज रहे हैं चोरी से। सबूत जमा होने पर इनको वॉशिंगटन कोर्ट उल्टा लटकाने वाली है। ओ ऐसा, मैं समझा मुझे लटकाने की है। दुश्मन तुम्हारे नाम से कांपते ऐसा एक भी ऑफिसर नहीं है अलबामा में। सारा दारोमदार तुम पर है। रंगे हाथों पकड़ना होगा ताकि सारे सबूत हाथ में आ जाए तो बात बन जाए। यही एक रास्ता है। ओ हाँ, मैं इसको अंजाम दे सकता हूँ केवल 3 दिन के भीतर ही। याद रहे, मुझे शुबा है कि ये ऑपरेट कर रहे हैं प्रोस्पेक्ट। ये प्रोस्पेक्ट नया कोड नंबर है उनका। ओ समझा, भाईगिरी का भाई। हाँ, तुम चाहो तो काम करो हमारी मिसिसिपी की FBI के अंडर। तुम्हारे ऊपर लगे आरोप भी हटवा देंगे। तुमको उखाड़ फेंकना होगा जड़ से भाईगिरी ग्रुप। एजेंट डॉकर्स हर कदम तुम्हारे साथ होंगे। डॉकर लेंस। सौदा नहीं, 3 हफ्ते का आराम मंजूर है। वैसे हाफ, तुम्हारे 3 हफ्ते का आराम कहीं 6 महीने में ना बदल जाए और बगैर पगार के। सोच के देख लेना। ये ब्लैकमेल है। ओ वैसा कुछ भी नहीं, FBI ने नहीं पढ़ा शब्द ब्लैकमेल। तो क्या चुनना है, चुन लो।
गुड मॉर्निंग, दिन निकल चुका है, काम पर जाना है, कहना मानकर हमें खुश कर दिया। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। खुश हो जाओगे सुनकर, काफी कुछ सामान जुटाया मैंने तुम्हारे लिए, वही खाने पीने का, दिमाग को आराम पहुँचा, वैसा भी नुस्खा है मेरे पास, तो करे शुरुआत। दिमाग ठीक तो है ना या कहीं गड़बड़ है? तुम्हें देखा तो गड़बड़ हो गया। हो गया, ओके, तो चलें, जल्दी करो, सुबह सवेरे शुरुआत करना अच्छा होता है। सुबह से ही पूरे शहर की नाकाबंदी कर डालेंगे, ठीक है ना? सोच रहा था कारनामा कुछ दूसरा है, कुछ तो तालमेल बिठाने के लिए करना होगा हमें, एक ऐसा प्लान होना चाहिए हम दोनों के बीच में, जैसा कि वो फोन नंबर भी पर, आखिर हम दोनों पार्टनर हैं। मुझे पार्टनर की जरूरत नहीं है लांस। जो बिस्तर में कुत्ता है, चौंक क्यों गए? तुम्हारा पहला मौका तो नहीं? हाँ, पहला मौका तो नहीं पर कुछ अलग है। उठ जाओ बेबी, नौकरी पर जाना है। ओके। अरे हाय तो कहो इसे। हाय या। हाय। तुम यहाँ पर बात क्या है? वैसे सोचा क्यों ना तुम्हारी मदद करूँ पहले दिन से, वैसे भी कदम से कदम मिलाकर चलना होगा मैं। ऐसे कॉलर इसमें मजा नहीं, जानता हूँ ये, जानता हूँ। मेरी वाइफ इसे कभी कभी बालों में ग्रीस लगाना अच्छा है। सॉरी, आई एम सॉरी, चंदनों से ऐसा ही चल रहा है, अंदर जम्प घुस गए हैं और सारा शरीर कमजोर बना दिया उन्होंने। हुआ क्या है पता तो चल? नाम है इसका फोबिया। ओके, इसके अंदर काम से नफरत होती है, मौज करते हो तो सब ठीक। मैंने इलाज ढूंढा है पर वो रात के वक्त। क्या कनिंघम को ये पता है? नहीं तो यहाँ पर तुम कैसे लांस? बीमारी को दूर करने। चलो फिर दूर करो। .6 owned by the Brotherhood. Truckers get the rocks off by watching the girls dance. भेजे में कुछ गया? गया। इस धंधे की आड़ में ही गोलमाल चलता है, यही होगी उनसे मुलाकात। जरा तो ठंडा पकड़ा देना भैया, दो ग्लास दो मुझे प्लीज। ये आपका ड्रिंक सर। नजर उठाओ, देख ऊपर कौन है। ओ, ये तो कोई कॉकरोच की औलाद है। कॉकरोच की औलाद नहीं ललू, ये आइस हेंस्टे है, दाएं हाथ बदमाश बियॉन्ड चैप्टर का। मैं अगर हाथ डालता हूं इस पर तो करीब पहुंच सकता हूं चेंज स्कोपर के। खतरा इसमें बहुत है। किसी किस्म का वायरल लगता है ये। मैं कुछ तिकलम लड़ाता हूं, तू यहीं रह। एक्सक्यूज मी, एक ग्लास और दे सकते हैं प्लीज? नशा हो ही नहीं रहा है। थैंक यू। ये आइस, आइस। जवाब दो सवाल का, मेरे पीछे क्यों पड़ी है तुम्हारी ये फुलझड़िया? वाह वाह वाह, तुम्हारे पास वो सब क्या है? है? मेरे ख्याल से वो तो गोलमाल वाला कोई बैम बैम है। बैम बैम? जवानी पर तरस तो खा बैम बैम। देखो एक सीधा सा सवाल किया था। ए, तुझे जवानी से चार नहीं बच्चे, अच्छा खासा बांका जवान है। सही पहचाना। तुझे छोड़ूं या सबक सिखाऊं? तुझे परेशानी क्या है? बात साफ कर ही देता हूँ, सड़कों गलियों में मारामारी करना तुम्हारा धंधा है पर चौपटा इस काबिल नहीं है। तू कोई खबरी है पुलिस वालों का? पता चल जाएगा। बड़े से बड़ा 30 मार का हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तू क्या भेजता है?
गोली की भाषा समझता है या फिर मेरे साथ नाचने का सोच रहा है? एक छोड़ो मुझे, छोड़ो लो। आइस, आइस। आप मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। तेरा पूरा पैसा वापस करो इसी वक्त। सही मनी का कारोबार है यहाँ। ज्यादा ही बोल रहा है ये उल्लू की दम। तू फूटेगा यहाँ से या फिर? लड़ने मरने नहीं, मौज मनाने आते हैं। जल्दी से पैसे निकाल कर रखते हैं हाथ पे। निकलेगा तो तू बेबी, हमेशा हमेशा के लिए तू। आइस, आइस, आइस मैन, अरे इससे छुड़ाओ मुझे। देखो, अरे तेरी तो आइस, आइस छोड़ नहीं रहा है। आओ, आओ। सब ठीक है? ये तो कोई सूरमा है। अगली बार पहले सोचना फिर मुझसे पंगा लेना। स्वागत है तुम लोगों का। ए थैंक्स दोस्त, नाम तो बताओ। जॉन स्टोन। और लोग पुकारते हैं मुझे गट। गट। इसी भाईगिरी ग्रुप की रैली होगी अगले हफ्ते ही, तुम उसमें शामिल होना। शामिल होना मेरा फर्ज है। ओके। देखे तुम बैम बैम। इसे कम मत समझना, ये लंबी रेस का घोड़ा है भाई। इस पर जोर दिखाएगा। जाओ स्टोन, जाओ, छोड़ना नहीं उसको, जल्दी जाओ। जाओ स्टोन, जाओ, तुमसे ये नहीं बचने वाला। हाँ हाँ जाओ, जल्दी करो स्टोन, जाओ, तुम ही जीतोगे। अब आएगा मजा। ए छछुंदर। अरे इसको सबक सिखाना है। उठो, 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 come on! Come on!
इसको। स्टोन मुबारक हो। मरम्मत करती उसकी दोस्त, जिंदगी भर याद रखेगा तुम्हें। पहले मुझे मेरे ग्लासेस दो। ओके, तुसी तो छा गए। हे चेंज, ये है जॉन स्टोन, स्टोन ये है चेंज। पहले उतरो मेरी वैन से। जल्दी में हो क्या? किस्सा सुना था गट से, काफी तारीफ की, उसने नजारा देखा जो था। कौन से क्लब से ताल्लुक है दोस्त? हम तो आजाद पंछी हैं। पहले मुझे ये बताओ कि वो लड़की आगे पीछे क्यों घूम रही थी? कॉकरोच की तरह। ये मेरी घरेलू मुर्गी है। जाओ आराम करो गट्स। थैंक्स, चलो जश्न मनाते हैं। आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी वैन से उतर जाओ। कहावत साबित कर दी जैसे को तैसा तुमने। गुंडों के साथ में सलूक ऐसा होना जरूरी। हाँ, कोई नई बात नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। तुम ले जाओ मेरी तितली को और मजा उड़ाओ। बातें फिर होंगी बिजनेस की। बात भाईगिरी ग्रुप के मुतालिक हो तो मुझसे होगी। तो ये तय हो चुका है कि मैं उतर जाऊँ वैन से? बात सही है, मुझे शौक नहीं है। जो सुख तुम्हें पहुंचाऊंगी वो स्वर्ग का सुख होगा। तुम और स्वर्ग? आजमा लो। इमारत हसीन होगी मानता हूं, आज तो बचा है वीराना खंडर, अब क्या आजमाए। नहीं मालूम बुबा, कोई बेगाना वहां आया और अपने पैंतरेबाजी से तुम्हें मोह लिया उसने। सिर्फ शोशेबाजी है, मुझे यकीन नहीं उसका। बिजनेस की चाल सीखो। मालूम है तुम्हें बेबी, मुझे भरोसा कम होता है। ये हमारे बीच की बात है, हमें मिलकर आगे चलना है दोस्त। तुम्हें पछतावा बाद में होगा चैंस। ग्रुप के एक मेंबर ने बेदर्दी से एक मिनिस्टर का खून बहा दिया। जज ने उसे 45 साल की सजा दे डाली। जज को बदले में उड़ा दिया गया। मतलब बीत गए दिन शराफत के मेरे दोस्तों। जेंटलमैन, गल्फ पोर्ट में जो भाई गिरी ग्रुप की एक शाखा है, उसने कुछ चंदा भेजा है। तो बात यह है, एक बात बताओ, जो काम आर्मी नहीं कर सके, हम उसमें अपना हाथ क्यों डालें? गोली मारो ना आर्मी को, क्यों टांग अड़ाए हम इसमें? पहले उधर नजर डालो फिर बोलना। एक दोषी को सजाए मौत दिलाने के लिए बरसों कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, जनता जानती है। स्टेट का गवर्नर मुझे यहाँ की जनता अगर बहुमत से चुनकर बनाए तो मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा अंडरवर्ल्ड को। सबसे पहले मौत को बुला रहा है अपनी, काट डालो। इसकी मौत इसे बुला रही है। कौन हो तुम? स्टोन, पार्सल लाया हूं चेन के लिए। टूस, टूस, ठीक हो ना? ए स्टोन, तुम कहाँ गोल हो गए थे? चेंस काफी बेचैन है मिलने को, हाथ में कोई बड़ा गेम तो नहीं लग गया? वाओ! क्या निशाना है?
चलो आ जाओ ये मेरा हीरो है, मैं अभी इसके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ तो कहाँ है वो? इसको पहले कभी आने देखा। हाय स्टोन, कैसे हो चैन? वो क्या है? ऐसे ही एक तोहफा है, इसकी जरूरत पड़ेगी जिस वक्त हम बिजनेस करेंगे। हे, पर है क्या, कहीं बम तो नहीं? खोलो इसे। बुलेट प्रूफ जैकेट है बॉस। सरकारी माल मालूम पड़ता है। हाँ, तुम्हारे हाथ में आई कैसे? मजाक में मत उड़ाओ मेरी बात चैंस, मेरे पास तो आधी चीजें गवर्नमेंट की होती है। इस कमरे में जो पिस्टल्स हैं सभी, पैंट के अंदर जो है वो भी। जो बॉय, इसे ट्राई करो, देखे इसकी खूबसूरती, जरा घूमना, गोल गोल घूमता रहे। लगती है काम की। कहा था मजाक मुझे पसंद है। मुझे मारने वाला ये बैठा है मौत के दरवाजे पर। आइस रुको, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं, ये मेरा है। तुम में बहुत ताकत है स्टोन, तुम चमकोगे हमारे इस भाईगिरी ग्रुप में। नहीं होगा ये, खाया नहीं जिंदगी में कभी ये ओ मांस का टुकड़ा, होगा या फिर होगा मेरा बुलडोजर। ये सड़ा हुआ मांस है। कुछ बोला क्या? मेरे लिए इसमें कुछ है, रंग है दोस्त, रस। जोकर भी बोल सकते हो इसको, पर ये अनमोल है क्योंकि इसमें मेरा फ्लैग, मेरा क्रॉस, मेरा चर्च है। इसके ये रंग पक्के हैं, फाइट के अंदर अगर ये छू जाए जमीन तो मैं तुम्हारी खाल को चाकू से खिंचवा डालूंगा। मुझको इंतजार है। ओके, काम हो जाएगा, ये तो काम हो ही जाएगा, मगर हमारी पेंसाकोला ब्रांच को कान चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं। मडफिश, पहचानते हो ना, ये टैटू पहने जाते हैं कान में, नाम पता अगर ढूंढना पड़ जाए तो परेशानी होगी नहीं तुमको, पर इसका कसूर? ये घुसा हमारी टेरिटरी में कुछ चाबियों की मदद से जो बोलीवियन टुकड़ी की हैं। तुम्हारे पास गन तो है ना? पर क्यों? क्योंकि जरूरत तो पड़ती ही है हमें।
कमाल के डांसर हो तुम। थैंक्स अमीगो। हौसले बुलंद है तुम्हारे। तुम्हारा नाम चोटी के डांसरों में जोड़ा जा सकता है। तुम्हारी शो के आगे मेरा सर झुक गया। बेवकूफ मत समझो मुझे तुम। ओके वैसा कुछ नहीं है, सच कहा था मैंने। एक्सक्यूज मी, साथ चलो मेरे। ए सुनो, मेरा चलो क्या है? चलो। अरे वजह तो बताइए। ओ अरे कुछ तो बताओ, ये क्या कर रहे हो? मनमानी है, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो, जाने दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, मेरा कान। गोदने का काम तो बचपन से किया है सर, मगर कान के ऊपर गोदना तो पहला ही तजुर्बा है। मुझे याद है मेरे दादाजी मुर्गी पकड़ते, गर्दन उड़ाते और जमीन पर छोड़ते तड़पने के लिए उसे। मौका मिला तो अपने दादाजी से मिलाऊंगा जरूर तुम्हें। वापस मत लौटना। गोल गोल वही क्यों घूम रहे हो? अबे चल अंदर, चल। देखो बिल्ली क्या लेकर आई है। कान तुम्हारा। पर ये कैसे हुआ होगा? ऐसे खेल तो बाएं हाथ से खेलता हूं। जान ये तोहफा मेरी ओर से तुम्हारे लिए। जान अपनी जान दे, वैसे इसमें कुछ नहीं है। शांति से काम लो जरा। दोनों टूल और नैंसी कुछ और सुराग ढूंढने में लगे हुए हैं जोर शोर से। ये मेरा है, ये इसका हो गया अब। ये तो हमारा मेंबर नहीं। होना तैयार? कोई चारा भी तो नहीं। यहां क्या सोने की मुर्गी है जो अंडा देगी सोने का? ब्लॉक से पुलिस। हाय बेबी। ओ बोलो, क्या सेवा करूं मैं आपकी? डियर मैं एक तस्वीर भेज रहा हूं, इसका नाम है जॉन स्टोन, उसकी पूरी पूरी जानकारी दो मुझे। कल तक का वक्त है। ओके ओके फोन करती हूं तुम्हें। ओके कमाल है। बेकार की बात नहीं करते। आओ भी टूल। मेरे से पंगा मत लो। टूल। कल मिलेंगे, बाय। मेरी पीठ के पीछे भी कुछ था। अब तुम्हारे पीछे कौन पड़ेगा? पर कोई था? नहीं था। सुनो, तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति है यहाँ? तुम समझते ही नहीं, क्यों बताऊँ सब कुछ तुम्हें? पर क्या? ओ मैं तुमको कुछ पैसे दूँ, अब समझा। क्योंकि मेहनत का फल मिलना ही चाहिए। दफा हो जा, चल भाग। मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत की इसने, जो भाईगिरी ग्रुप का है। ओ बम! धंधा वसूली का टेढ़ा है, कोई मर्जी से पैसा देता ही नहीं जब तक धमकी ना दो। हे! अरे, अरे! चलो अभी चलो अब। अरे ये पास! अरे चलो माल हाथ मत लेना। अब ये मरने आ गया। तुमने गलत आदमी पर उंगली उठाई दोस्त। बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये टुच्चे मुच्चे फिर आए इलाके में मेरे, तो चेन से कह दो दूर रखे इलाके से मेरे अपनी दुकान को। चलो कार के अंदर।
मुसीबत मोल नहीं लेनी। मुझे बताना तो ये आदमी किस खेत की मूली से? इसका नाम डोमिसी है और हमारा दुश्मन है। पर्स नहीं मिला तो चेन्स मार डालेगा। और पैसा कितना होगा? $400। ये लो, ले लो। लेकिन कैसे कमाए ये पैसे? ये पैसे कहां से आते हैं ये मत सोचना। किसी तरह की मदद जेंटलमैन। एक्सक्यूज मी, ये विजिटिंग आवर नहीं है। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। हट। मैं कुछ लाया हूं, ये पसंद भी आएगा। ये लो पिज्जा तुम्हारे लिए। थैंक्स जेन। देखने दो इसे, ये लाजवाब तोहफा इसी के लिए है। जो कुछ बचा से देखना चाहोगे? देखते हैं क्या बचा है। ए, ये क्या औजार छोड़ गए? चलो कुछ तो बचा। जान ले लो मेरी, प्लीज प्लीज चैन। ए, रुको एक मिनट, उल्टी बात करने से फायदा मत नहीं। टूज, मैं तुम्हें अपना बाजा दूंगा। ए, इसे जल्दी हटाओ मेरी आंखों के सामने से, समझे तुम? जाकर बैठ जाओ। तुमको पता है मैं जो लाया हूँ? देखभाल तुम्हारी ये करने वाली है। ये है मारिया। ए मारिया, तुम बंधन में बंधोगी शादी के। मिसाल बनेगी तुम्हारी जोड़ी तो मैं खुद तुम्हारी शादी कराऊंगा। ओके? गच्छन प्यादे मारे भी जाते हैं किसी गैंग के तो क्या फर्क पड़ता है, अगले दिन नए पैदा हो जाते हैं। अब सुनिए इस बारे में मिस्टर विपर्डन के विचार। कम अगर कोई मेंबर हो जाता है भाईगिरी ग्रुप का तो क्या कमी हो जाएगी? ये जो प्यादे माफिया ग्रुप में ड्रग्स की हेरा फेरी करते हैं उन्हें ढूंढना ही होगा। पूरी स्टेट में छानबीन करनी होगी। इसीलिए मैंने कुछ घंटों पहले अपनी स्टेट के गवर्नर से भी बात की कि वो हमारी सहायता के लिए आगे आए। प्यादों का सफाया तो ड्रग्स का सफाया। जबान को बंद कर दो, यहाँ से निकल चलो फौरन। मैं वहां होता अगर ऐसा कुछ भी ना होता, मगर अब मेरा वादा है तुमसे कि बचेगा नहीं मुझसे डोमेसी। ओके? यानी कि सही सोच रहा था। बिल्कुल। मतलब तुम्हारा समझा नहीं। ड्राइवर परेशान है 12 टन के बोझ को लेकर। खरीदार और सुरक्षा चाहिए हमें, यह मत भूलना। यह मेरी डील है। मेरे पास खरीदार है। कौन? जरा सोचो। डोमिसी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। धंधा बंद हो चुका है उसका, घास खा गया डोमिसी का दिमाग। आज तुमसे मिलने खास तौर पर आना पड़ा। तोहफा? हाँ तोहफा। हेलमेट? बाइक में चलाता नहीं। अच्छी बात है, खोलो ना। ये जो तोहफा मुझे मिला है, आसानी से मिलना मुमकिन नहीं। ट्रक्स हमारे पास इसके हम तक पहुंचेंगे 3 दर्जन 50 गैलन के ड्रम्स को लेकर। इससे हम आधे गल्फ कोस्ट का सफाया चुटकियों में कर देंगे। हे, जो मैं तेरी जगह होता तो इसे सूंघता भी नहीं। $50,000 एक ड्रम के। एक और तोहफा? निकल चलो।
लगातार दोहराने को तैयार रहता हूँ, जो अगर मिले सजाए मौत इस तरह से। अगर सजाए मौत मिल रही है तो दोहराया जा सकता है, अगर सजाए मौत मिल रही है तो दोहराया जा सकता है। मौत को गले लगाना, मौत को गले लगाना, गले लगाना, गले लगाना, गले लगाना, गले लगाना, गले लगाना, गले, गले लगाना, 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 लगाना। मेरी खामोशी का फायदा मत उठाना आइस। करना चाहूंगा कुछ बातें। वजह मुझे पता है आने की, तुम्हारे दिल बैठ चुका है तुम्हारा डर की वजह से। घबराने वालों में से मैं नहीं, खून कितनी बार बहा चुका हूं, अब डरना वरना कैसा। तुम्हें बता ही दूं, मेरी घबराहट का कारण तो है स्टोन, तुम उसको भलीभांति जानते नहीं। डर की वजह यही है, बर्बाद हो सकते हैं। मुझे घबराहट है जब सुबह उठूंगा तो मेरी हर चीज हड़प चुका होगा, हमारा ग्रुप भी। ए, मैं चाहूं तो उसे मच्छर के समान मसल सकता हूं, उसके दोनों हाथ और साथ ही पैर काट कर लोहे के बक्से में बंद करके नदी के अंदर दफना दूंगा उसे, समझे। छोड़ दे अब तू घबराना, ग्रुप को कुछ नहीं होगा, डरपोक है। डरपोक। सुनी हुई बात पे भरोसा नहीं करता दोस्त। जो सुन रहा हूं वो मुझे भाता नहीं दोस्त। खतरा कुछ नहीं है ऐसा तुम्हारा सोचना है, पर इस टॉयलेट की सीट नहीं धुली बनने के बाद से आज तक लगता है जॉर्ज वाशिंगटन कभी नहीं आया यहाँ। यहाँ पर बैठने पर खुजली और एक्जिमा भी हो सकता है। सच बात तो ये है कि यहाँ बैठने के बजाय मैं चक्कर लगाना पसंद करता। क्या बाकी है कुछ? हाँ निपट चुका। फिर क्या बात है? करिंगम का विचार बदल चुका है, हफ्ते का हिसाब पसंद नहीं, उसे हर मिनट का हिसाब चाहिए, अब उसके पंखों को काटना ही होगा। जल्दबाजी नहीं, तुमने कुछ और सोचा है? पांसा फेंकेंगे ताकि भाईगिरी ग्रुप के साथ में सबका सफाई हो जाए। देखो मुझे चाहिए 3 dozen ड्रम्स P2P और गाड़ी उसके साथ, साथ एक एजेंट जो काम को अंजाम दे सके मेरे हिसाब से। हाँ आम क्या आम गुठली के दाम। गवाह की जरूरत पड़ेगी केस को बंद करने के लिए। कौन होगा गवाह? चैंस का पटाखा, हाथ बड़ी मुश्किल से रखने देगी मुझे, पर पड़ जाएगी। वो दो पपलू है। ये तो खिलौने हैं। क्या हो रहा है भाई? सबका यहाँ रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है, जिले भर का। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी विपर टॉन का ऑर्डर है। हमको देखने होंगे सभी पेपर्स। ए दोस्तों, इन्हें देखने हैं पेपर्स। सभी पेपर्स हैं, काम हो जाएगा इनसे। यही पेपर्स है ना, इस्तेमाल कर लेना। कर लोगे ना? देखो इसमें लगेगा 1 मिनट, प्लीज करने दो काम हमें। काम मैं देखूंगा। वैसे ये बिल्कुल सही काम है। हे, तुम क्या कर रहे हो?
नर्क में पहले पहुंचना बेहतर है ताकि ख्याल ही ना आए स्वर्ग का। प्लीज हमें छोड़ दो। ले जाकर दे दो फौरन हिप को, ये हमारी तरफ से एक तोहफा है। तुमने मार डाला इनको, चलो जश्न मनाए। तुमने मार डाला, पागल से कम नहीं हो तुम, पागल हो तुम। इसे हटाओ नजरों के सामने से, नहीं देखनी सूरत। नई लड़की होनी चाहिए। ए, तुम जानते हो मुझे ब्रदर, कुछ भी नहीं छिपा है हम दोनों के बीच। मेरे हर में से कोई भी पसंद कर लो। ए ब्रदर, बात ठीक नहीं है ये। पर ये भाई गिरी ग्रुप की नहीं है भाई। खामोश। खैर चाहता है तो चुप हो जा। हमने अभी तक सारे काम साथ में मिलकर किए हैं। हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। हमने ये सब तो तय नहीं किया था चेंस। ये गलत है चेंस। चेंस, रास्ता छोड़कर अब तुम भटक गए हो। तो फिर ये हमें छोड़ रहा है ब्रदर। ओके, जाना गर्ल्स, जल्दी से बाइक पर बैठ और दफा हो जा, फौरन निकल ले। मत भूलो कि ये घर मेरा भी है। गलत मतलब निकाला है चेंस। अरे ओ जीसस, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। ढूंढती तो मैं फिर रही हूँ तुम्हें। वजह क्या है ढूंढने की? चेंस ने जान ले ली उनकी। चेंस ने किसे मारा? पहले मुझे लगा कि मजाक होगा, लेकिन अगले ही पल ढेर हो गए दोनों गार्ड एक साथ। ये सब तुमने देखा? हाँ गॉड, ये बहुत ही भयानक था, इसलिए तुम्हें बताना पड़ा। वो भी पहले डी डे के। कामयाब चेंस को नहीं होने देना। डी डे का मतलब तो बताओ, उस दिन होगा क्या? इस दिन चेंस रकम जुटाने में लगेगा, जनता का विश्वास जीतने की कोशिश भी करेगा, और साथ ही वो तुमसे सौदा भी करेगा। तुमको और क्या पता है? और कुछ नहीं है, ना ही सोचा कि मैं कुछ जानू, पर ये सब तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि नैन्सी, जो कुछ भी मैं करूँ उसकी जानकारी होना लाजमी बात है, क्योंकि मैं अजनबी हूँ। तुम्हें बताना जरूरी है, मैं ये नाता तोड़ दूंगी इसी वक्त। चेन से दूर चली जाऊंगी। पहले सोच लो और भूलो मत, तुम्हारा ब्रांड है GFPD। गॉड से माफी मिलेगी, लेकिन भाईगिरी ग्रुप से नहीं। आओ इधर, तुम नहीं छोड़ सकती उन्हें, क्योंकि छोड़ने पर तुम्हें वो नहीं छोड़ेंगे। फिक्र नहीं है स्टोन, जान से मार दे, कर ले कोशिश, पर मुझे जाना होगा ही। नैन्सी जिद मत करो, एक मकसद है भाईगिरी ग्रुप को ज्वाइन करने का, मकसद पूरा होते ही चला जाऊंगा, पर साथ तुमको नहीं ले जाऊंगा, बुरा मत मानना। मुझे तो ले जाओगे ही, ले चलो अभी मुझे। पर मेरे मुताबिक तुमको चलना होगा।
हराम हो गया था जीना मेरा। मार पड़ती थी पूरे पूरे दिन मुझे खाली पेट, क्योंकि सगा फादर नहीं था वो मेरा, जबरदस्ती का था और छोड़ दिया घर। अकेली सड़कें नापती घूमती फिरती रहती, कुछ ना कुछ मुझे करना ही पड़ता भरने के लिए पेट। बहुत परेशानियां उठाई है। परेशानियों का सामना तो कदम कदम पर था, इसी तरह जा पहुंची भाईगिरी ग्रुप में। अच्छा माहौल था वहाँ, ले लिया उन्होंने मुझे, ऐसा प्यार मिला जैसे अपने ही है, मतलब परिवार की तरह। इस माहौल में मैं खो गई, कौन अपना कौन परा कह नहीं सकती थी, और ऐसे ही जवान हो गई। जाने दो, ये आज सब बदल गया है। बात क्या है? कुछ नहीं, सुनो फोन करना जरूरी है मेरे लिए। परेशानी क्या है बताओ तो? लगता है तुम पर शक हो गया जो। ऐसा कैसे हुआ लांस? किसी ने उनके दो नेशनल गार्ड को मार डाला कल रात। कनिंगम का कहना है कि विश्वास किया तुम पर, ये गलती हो गई उससे। बात ये हाँ, अब फैसला बदलने वाला है वो। खींचना कदम अब मुश्किल है तुम्हें पता है। सॉरी जो, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। पर मेरा काम तो करना, बोलना कनिंगम से मुझे रहना है। नहीं मुश्किल है जो, ये जो जगह है वो अलाबामा पुलिस के अंडर है, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। समझ रहा हूँ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। जो, हे जो! मिलता हूँ तुझसे कंपाउंड में। डांस कर रहे? आओ पुलिस वाले! नहीं है। नैन्सी हो ना? हाँ जी, मैं शैरॉन बिलोक्सी से। जानकारी मुझको चाहिए उस व्यक्ति की जिसका नाम है जॉन स्टोन। एक फ्रेंड ने तुम्हारा नंबर और नाम दिया।
मगर जॉन स्टोन्स के ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखा हुआ है सरनेम स्टोन के बजाय जो हफ। जो हफ, समझी? हाँ हाँ समझ गई। मजे में हो ना दोस्त? अरे टूज वापस आ गया। मुंह क्यों सुझाया? गायब कहाँ हो गए थे मुझे छोड़कर? एक काम था। काम था? जॉन स्टोन को था या फिर जो हफ को था? उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो? एक लड़की का फोन था, कुछ पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, उसी ने नया नाम दिया मुझे तुम्हारा। तो फिर मेरे बहुत से नाम है। देखो स्टोन, हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, अनदेखा भी कर सकती हूँ, पर मुझसे मिलाकर कहो आंखें कि तुम नहीं हो पुलिस वाले। मैं एक पुलिस वाला हूं, तसल्ली हो गई? मैं बोलूं भी तो क्या बोलूं आयुष को लेकर, सिवाय इसके कि वो बोलता बहुत था। हमने भी ढील छोड़ दी थी क्योंकि धंधा संभाले हुए था, भाई के समान प्यार भी किया उसे हमने। तुमने उसे छूट दी, इसी वजह से उसने पंख फैलाने शुरू किए। जब पंगा लेना शुरू हो गया तुम लोगों का तो नतीजा सामने। सोच समझ कर उससे उलझना बड़ा जरूरी था, नहीं तो तुम्हारा ही कीमा बनाकर वो तुमको पेश करता, ऐसे वो भला था। क्या बात है कमिंग है? बर्दाश्त की हद हो चुकी है, अब बताओ तुमने क्या सोचा है? सर, जो काफी आगे पहुंचा है, मुझे कामयाबी की पूरी उम्मीद है, क्या हम उस पर बात करें? सुनो, चैंस के साथ मिलकर मार्टिनेज की पुरानी फिश फैक्ट्री हम लोग खरीद लेते हैं, क्या कहते हो तुम? हाँ, मुझे मंजूर है। हम रात को ही उसे खरीद लेंगे, मिल जाएंगे ट्रक हमको मार्टिनेज से, हम फौरन सारे ट्रक नॉर्थ पॉइंट पर पहुंचा देंगे, जनता भी वहां जमा होने वाली है, यानी भाईगिरी ग्रुप साथ में होगी, जनता। हो गया काम, कैसा रहा? प्लान चौपट ना हो।
देर कर दी। देर हो गई। कोई गड़बड़ तो नहीं? कोई भी गड़बड़ नहीं। जानते हो स्टोन, मैं सोच रहा था करोड़ को लगाने पर मेरे हाथ में आने वाले हैं 5% ही। चलते चलते बात करते हैं। चैंस, सौदा ऐसा ही हुआ है। मेरे हाथ आने चाहिए 10%। बातें सारी साफ पहले ही हो चुकी हैं। हां पर स्टोन, बात की जा सकती है एक बार और। इस पर बात होगी ये सोच कर आया था। बात करता हूं बॉस से। लेकिन सौदे में गुंजाइश बिल्कुल नहीं। पीछा करो उनका ग्रीन मटफिक्स, तुम आगे चलो। तो मेरे साथ आओ। क्या समझा मैं मर गया? यहां पर काम से गई शर्ट। एडी पकड़ना। हेलो, चेक पॉइंट 2। वो अभी हाईवे 10 की ओर मुड़े हैं, पर मामला क्या है? आप फ्लांस बोल रहा हूं, सब ठीक तो है? तुम पुलिस वाले हो, फंसाया मुझे झूठ बोलकर। बात बन गई लांस, तुम हेलो बोलोगे मेरी गवाह से? मेरा इस्तेमाल करोगे तुम मुझे ही गवाह बनाकर? देखो, सौदा किसी हाल में होने नहीं दूंगा, वरना सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। तुम झूठे हो जो। नैंसी सुनो, तुम्हें बचा सकता हूँ जो साथ दो मेरा इस वक्त, क्योंकि ये जरूरी है। मेरी बात का विश्वास करना होगा। आंसा की पलटा चैंस, ये मेरी डील थी। वही होता है सिकंदर, जो मौके का फायदा उठा ले। ए, वजह क्या हुई? भरोसा उठ गया मेरा?
हर एक फायदा सोचता है। तरीका मेरा कुछ बिजनेस का समझे? समझा, अब सोचना जरूरी है, दफा हो जा। बाद में बात करता हूं। आ गया। जो हुआ क्या वहां पर? चैंस ने बाजी ही पलट दी। लगता है सौदे वाली जगह बदल चुकी है। ओ यानी कि कारोबार तो अब वो सौदा मिलियन डॉलर साला हम लोगों के हाथ से गया। ये बात यही खत्म नहीं होती। मैंने ये भी सुना है कि सौदा करेंगे विप से। यानी विपरटोन? हाँ, उस इंसान की आवाज मैं पहचानता हूँ। तुम बात करो कनिंगहम से। शायद है। ट्रक को रोकना होगा, वहां जाने में खतरा है। तलाश तुम्हारी उनको होगी। जो पता है मुझे, वो मेरी जान के दुश्मन है। सुनो लैंस, हाथ से बाजी जाने ना पाए। जो हेलो, मरने का सोचा है? ट्रॉली अलग हो गई। ये लो तुम 2000 हथियारों के अवज में और 50,000 हेलीकॉप्टर के। वापस आना 8 बजे रात में, वरना हम मारे जाएंगे। जिएंगे हम, फिर लौटेगा वक्त हमारा। कोई पैदा नहीं हुआ सानी जो मुकाबला कर सके मेरा उड़ान में। स्टोन, कहाँ रहते हो दोस्त? किसकी बाहों में? वो कह रहे हैं। ए दोस्त, थोड़ी सी गड़बड़ कहीं हुई है। आओ तो, जेम्स मिलना चाहता है तुमसे। हे, फेयरवेल पार्टी करने का सोचा है हम लोगों ने। तुम्हारे मजा दुगना हो गया। जा कौन रहा है? तुम ही। मेरी आस्तीन के सांप। सांप। हेलो अमीगो, लंबे समय से नहीं मिले। जब हमारे बीच दोस्ती थी तो मैंने कहा था मुझसे कभी पंगा मत लो, हा? पर तुम नहीं माने। मत भूलो, आसमान पर थूकोगे तो वो तुम पर ही गिरेगा, हा? Hey,
गॉड तो देता है माफी, लेकिन भाईगिरी ग्रुप नहीं। तो अब क्या अंतिम इच्छा मेरी पूछ रहे हो तुम मुझसे? नहीं तो जो हफ दिल पहले बाहर निकालू तेरा, भूल जा। स्वर्ग में फरिश्ता एक दिन राक्षस बन बैठा तो लात मारकर उसे नरक में भेज दिया, वही होगा तुम्हारा भी, क्योंकि पंगा लिया मुझसे। अब नरकवासियों से पंगा लेना तुम सीख गए। कल भीप की मौत होने वाली है। राज्य की राजधानी की कोर्ट में आज एक अहम खून के केस की सुनवाई होने जा रही है। खूनी ओन्स ग्रुप का है, दूसरी और है बाइकर गैंग यानी भाईगिरी ग्रुप, जिसे ओन ग्रुप पर बैप्टिस्ट मिनिस्टर के खून का इल्जाम लगाया है। दोनों ग्रुप कभी एक ही होते थे। कोर्ट में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, चारों ओर नेशनल गार्ड तैनात है। अटॉर्नी वाइपर जोन सरकारी वकील की हैसियत से पैरवी करेंगे, जिन्होंने मुजरिम को मौत की सजा देने की तजवीज की है। वाइपर चोन ने मुजरिम को आजीवन कारावास व पैरोल पर छूटने की सजा को बहुत ही कम बताया है। तुम ये लो, मुझे भी तो कुछ दो। तुम मशहूर होने वाले हो स्टोन, तुम्हारे टुकड़े आज हवा में उड़ने वाले हैं। तुम्हें मौत के मुंह में भेजकर ही मनाने वाले हैं टीटे। आइए घूम जाइए, यहां से सीधे आप जा सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। ओह सॉरी। ओके फादर, आप जा सकते हैं। थैंक्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खड़े हो जाइए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ मिसिसिपी की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस टाउनसेंड इस केस का फैसला सुनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ब्रेंट विपर टोन की दलीलें सुनने के बाद, जो सरकारी वकील हैं, ये केस ट्रबल ओन्स ग्रुप के और भाईगिरी ग्रुप के बीच लड़ा जा रहा है। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। इससे काम तमाम होगा उन सब का जो इंचार्ज है, पहला नंबर कोर्ट का, अगला व्हाइट हाउस का। उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि कौन है मारने वाला। भाईगिरी ग्रुप को ताकीद की जाए कि मिसिसिपी सरकार समाज के प्रति उनका दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे ही 8 बजेंगे तो साथ में होंगे धमाके चारों। हमारे पास जो निचली अदालत का ऑर्डर मौजूद है, उसे मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुजरिम के खिलाफ सबूतों की बिना पर और ज्यूरी की राय के अनुसार मुजरिम को सख्त से सख्त सजा तजवीज करती है। Thank you.
तुम्हारे इम्तिहान का है साथियों, बम फेंको, खून डालो सबको। सॉरी सर, आगे जाना नामुमकिन है। ये कोर्ट तैयार है फैसला सुनाने के लिए, जो है सजाए मौत। यही वक्त है सबक सिखाने का तुम। ए, रखो रखो, नीचे ले लो अवल। जाने दो प्लीज। जब कभी ऐसा मौका आता है जिंदगी में तो मुझे फादर के शब्द याद आते हैं। बेटे नहीं, ये गन लोडेड है। यहाँ गोलियां बरस रही है रिकॉर्ड्स ऑफिस पर। नीचे ले लो। नीचे जाना है, उतारता हूँ। ऊपर लो। जो वो जो है, सबको बंदी बना दिया है। कोई भी भाग नहीं पाएगा। पूरी बिल्डिंग पर कब्जा कर लो। आग में मिसिसिपी झुलसेगा। हाथ में बाजी आ गई है। अब सुनो, सारे बंदियों को छोड़ देंगे हम और हमें वो जाने देंगे। चलो। अवोल, हम बाहर आ रहे हैं, मदद करो। स्टोन की कप, चुप हो जाओ। नहीं मरते फरिश्ते, ये भूलना मत। कुछ नहीं होगा हमारा, तुम अपनी फिक्र करो। हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना भून दूंगा। Thank you.
शरीर से आंतड़ियां बाहर कर दूंगा। तुम सब लोगों को हो क्या गया है? कोई बिल्डिंग के करीब क्यों नहीं जा रहा? सबके सब लेफ्ट की ओर जाने को तैयार है। काबिल मत समझो हमें, अपने लोगों को हटाओ। मैं दोबारा नहीं बोलने वाला, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी बात समझो, मैं गोली चला दूंगा। समाया बुड़ने का हो गया, आजा करे हवा से बातें आप। इससे संभलना। स्वागत है मेरे भूचड़ थाने। मर्दों की औलाद, सोच कल कैसा होगा चेंस, पर तू कल होगा ही नहीं। ओ गॉड, बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लो, कोई जाने ना पाए। ये दे मुझे। सब खत्म हो गया हुफ। हे पार्टनर,
कर दे भाई सबको। Thank you.